नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा दुबे और आप देख रहे हैं यूट्यूबर शिवा। भाई लोग, क्या आपने भी एक लैपटॉप ले रखा है जिसकी आप रैम को अपग्रेड करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि किस तरह अपनी रैम को अपग्रेड करते हैं? कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप में कितनी रैम है, ऑलरेडी कितनी है, उसके अलावा अपग्रेडेबल कितनी है यानी कि एक्सपेंडेबल कितनी है, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? उसके अलावा कौन सी फ्रिक्वेंसी की रैम है, ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप रैम लेना चाहते हैं अपने लिए, तो भाई लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर रैम ले सकते हैं। बट सबसे पहले बात ये है कि आपका लैपटॉप कौन सा है, आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से ही रैम लेनी पड़ेगी। कौन सी रैम आपके लैपटॉप के हिसाब से कंपैटिबल है, उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहली बात कि जहाँ से भी आप अपना लैपटॉप ले रहे हैं आपको वहाँ से पता चलेगा। अगर आप ले रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप जो अपनी रैम है उसके बारे में जान सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट पर आ चुका हूँ, ऐसे ही आप अमेजोन से लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन है जहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई कि जो रैम है, रैम यहाँ पर रैम लिखी हुई है, आपको क्लियर बिल्कुल बताया गया है। यहाँ पर आपको 4 GB मिल रही है जो कि इस लैपटॉप के अंदर मिलेगी। ऐसे ही आपके लैपटॉप में भी लगभग, अगर आपका नॉर्मल लेवल का लैपटॉप है तो 4 GB रैम मिलेगी। बट क्या आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो कि नहीं, वो भी आपको जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जा रहा है एक्सपेंडेबल मेमोरी जो कि लिखी हुई है अप टू 12 GB, यानी कि आपके जो भी लैपटॉप है उसमें 2 स्लॉट दिए हुए हैं, जिसमें कि एक जो स्लॉट है वो पहले ही 4 GB के साथ भरा हुआ है, जो दूसरा स्लॉट है वो खाली है, जिसमें आप चाहे तो 4 GB का तो रैम लगाकर अपने लैपटॉप की मेमोरी को 8 GB कर सकते हैं, या चाहे तो 8 GB के एक अलग से रैम लेकर अपने जो लैपटॉप की मेमोरी है पूरी 12 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ 12 GB तक का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 GB की एक रैम लेकर अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कई लैपटॉप ऐसे हैं जो कि 16 GB तक की रैम को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी भाई अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको पहले से 8 GB मिली हुई है और आपकी एक्सपेंडेबल मेमोरी 16 GB की है, तो दूसरे स्लॉट में आप 8 GB की और रैम लेकर उसको 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये अलग अलग लैपटॉप के हिसाब से होता है। उसके अलावा एक और चीज देखने वाली होती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रैम है, कौन सी जनरेशन की रैम है। बहुत तरह की रैम होती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, और उसमें भी बहुत सी रैम की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि 2133, 2400, उसके अलावा बहुत ऐसे 3200 भी है। तो भाई वो भी कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने टास्क बार में। सब कुछ मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है भाई अपने टास्क बार में। टास्क पर जाने के बाद टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको काफी तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई तरह के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है मेमोरी, जो मेमोरी लिखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो मेरी है 3.4, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 GB जो रैम है जो कि अभी इस समय इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो स्पीड लिखा हुआ, स्पीड ये भाई जो 2133 MHz है, MHz, तो ये अलग अलग होती है, और आप किसी भी कंपनी की रैम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की ही रैम लीजिए, आप किसी भी कंपनी की रैम ले सकते हैं। बट जो उसकी स्पीड है, जैसे कि यहाँ पर 2133 MHz है, तो वो सेम होनी चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में ये चीज़ शो कर रहा है तो आपके जो रैम लेंगे वो भी सेम होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर कुछ और शो करा तो आपको जो नई रैम लेंगे आप, तो वो भी सेम स्पीड की होनी चाहिए, तभी वो कंपेटेबल रहेगी। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्लॉट्स कितने यूज हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 of 2, यानी कि एक यूज में है और टोटल स्लॉट यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब एक और मैं रैम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अपने आपको टास्क बार से ये चीज़ भी पता चल जाती है। उसके अलावा फॉर्म फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, SODIMM लिखा हुआ है, SODIMM, तो ये चीज़ भी आप चेक कर लीजिएगा जब भी आप रैम लेने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये जो है मेरी रैम जो कि मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, कैसे अपग्रेड करूंगा पूरा प्रोसीजर आपको मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको रैम इंस्टॉल करना नहीं आता, जो कि आपको फिजिकली तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने लैपटॉप में जो अपनी रैम है उसको इंस्टॉल करना, बहुत बिल्कुल ईजी है। मेरे लैपटॉप में तो जस्ट एक स्क्रू ही खोलना होता है, हो सकता है आपके लैपटॉप में ज़्यादा स्क्रू खोलने हो, तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप रैम लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाकर आप अपने मर्जी के हिसाब से और ये जो कंपेटेबल हो आपके लिए वो रैम जाकर ले सकते हैं। रैम एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो आपका CPU है उसकी जो यूसेज जो अभी हो रही है
वो थोड़ी सी हल्की सी कम हो जाती है, इससे बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ जाती। बट अगर आपकी जो सीपीयू है उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है रैम की कमी की वजह से, तो वो पूरा जरूर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैम बढ़ाने से आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, बट ये है कि अगर आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं है रैम की कमी की वजह से, तो जितनी कमी है वो पूरी हो जाएगी एक बार जब उसको सफिशियंट रैम मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की रही होगी। और इस तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के यूट्यूबर शिवा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, वीडियो पसंद आई लाइक भी कीजिए। और भाई लोग कोई भी आपका सवाल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। सवाल की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।